हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुरशफ़ हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 8 के साइंस का कंबशन एंड फ्यूजन का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन आफ्टर अदर देन कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड अटेंड ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। बोला जा रहा है कि कंबशन करवाने के लिए कंबस्टेबल सब्सटेंस और इग्निशन टेम्परेचर के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन का कोई भी सब्सटेंस है जो जल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कंबशन टेक प्लेस व्हेन फास्फोरस बर्न एट रूम टेम्परेचर। तो बताया जा रहा है कि फास्फोरस का जलना किस तरह का कंबशन है। तो एक तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन है, क्योंकि फास्फोरस को किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फास्फोरस को जैसे ही आप बाहर निकालते हो, केरोसिन से बाहर निकालते हो, फ़ौरन है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के कंबशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर पेपर, वुड एंड डीजल। बताया जा रहा है कि पेपर हो गया, वुड हो गया, डीजल, ये सब किस तरह का सब्सटेंस है। तो ये सब कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि इन्हें है जो आसानी से जो जलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, गिव द टर्म यूज फॉर द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वैसा टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है, नेम द वैल्यू ऑन विच इफिशियंसी ऑफ ए फ्यूल इज डिटरमाइंड। तो किसी फ्यूल की जो इफिशियंसी रहती है, जो ताकत, जो स्ट्रेंथ रहती है, उसे कैलोरीफिक वैल्यू के जरिए है जो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, नेम अ सब्सटेंस, नेम अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। एक कंबस्टेबल सब्सटेंस का एग्जांपल दीजिए। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, ये सब क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, तुरंत है जो जलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन यूज फॉर फायर एसिड एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन ऑफ द कंडीशन रिक्वायर फॉर कंबशन। कंबशन करवाने के लिए एक कंडीशन लिखो, तो लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन का है जो कोई भी सब्सटेंस है जो जल नहीं पाता। नेक्स्ट है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल का जो आउटर जोन, जो बाहरी हिस्सा रहता है, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, और इनर जोन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं, याद रखना। कैंडल का जो बाहरी जो हिस्सा रहता है, जलाते समय जो फ्लेम निकलता है, उसका आउटर जोन को हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, और इनर जोन को हम लोग ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस। सबसे पहला है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। तो यह क्वेश्चन है कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स के बीच का डिफरेंशिएट बताओ, मतलब उनके बीच का क्या अंतर है। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स जो रहता है, आसानी से नहीं जल पाता, जबकि लिक्विड फ्यूल से जो बहुत ही आसानी से जो जल जाता है। जैसे आप सॉलिड फ्यूल जैसे लकड़ी ले लेते हैं या फिर कोयला ले लेते हैं, जलना बहुत ही मुश्किल रहता है, जल तो जाता है लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन लिक्विड फ्यूल्स ले लेते हैं, बहुत ही आसानी से जल जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको जलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। नेक्स्ट है, व्हाई डू ऑल सब्सटेंस नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग। तो वह यहाँ बताया जा रहा है कि सारे सब्सटेंस को जलाते हैं तो उसमें फ्लेम क्यों नहीं जनरेट होता। तो इसका आंसर है, ऑल सब्सटेंस डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग बिकॉज दे डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। जलने के समय कुछ सब्सटेंस जो रहते हैं वो वेपराइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम जनरेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कंबस्टेबल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, मतलब जलने वाला सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा है जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर है जो कोई भी सब्सटेंस है जो जल नहीं पाता। और तीसरा रहता है इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वैसा न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस है जो जलना स्टार्ट करे। तो तीनों सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, तीनों कंडीशन की ज़रूरत होती है, पहला कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का सबसे
हॉट स्पॉट के बारे में बताना है। तो जो हॉट स्पॉट जो रहता है, तो बताया जा रहा है कि नॉन ल्यूमिनस जोन इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इन दिस जोन ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द एडेक्वेटिक अमाउंट्स टू कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस। इट इज़ अ ब्लू इन कलर। तो बताया जा रहा है कि कैंडल का जो सबसे हॉट स्पॉट जो रहता है, वो अंदर में आप हिस्सा देख पाते हैं, वो ब्लू कलर का एक हिस्सा रहता है, जहाँ पे है जो ऑक्सीजन का है, जो कम्प्लीटली है, जो कंबशन होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट पे है जो अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से वहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, और इसी को हम लोग हॉट स्पॉट ऑफ द कैंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वाई वाटर शुड नॉट बी यूज टू स्टॉप फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो आग लगता है, उसमें पानी क्यों नहीं डालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं आग लग गई हो और वो आग असल में करंट की वजह से लगता है, तो आप अगर इसमें पानी डालने जाओगे तो आपको भी करंट लग सकता है, क्योंकि वो जो आग लगी है वो करंट की वजह से लगी है। तो पानी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो जैसे ही आप पानी का छिड़काव करने जाओगे तो आग में भी क्या होते रहता है, करंट जब दौड़ते रहता है, वो करंट है जो वाटर के ज़रिए है जो बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भी है जो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। नेक्स्ट है, वाटर एंड इनफ्लेबल सब्सटेंस गिव टू एग्जांपल। तो इनफ्लेबल सब्सटेंस क्या होता है, तो बोल रहा है कि सब्सटेंस विच हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू, वैसा सब्सटेंस जिसका कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी कम होता है और बहुत ही आसानी से जलना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग इनफ्लेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ये सब इनफ्लेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एक्सप्लोशन, गिव एन एग्जांपल। तो एक्सप्लोशन भी क्या होता है, कंबशन का एक टाइप्स होता है, जिसमें जलाने के बाद तो हीट और लाइट जनरेट होती ही हैं, साथ में साउंड भी जनरेट होते हैं और बहुत सारे हार्मफुल गैस भी जनरेट होते हैं। जैसे क्रैकर एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, क्रैकर्स दैट मीन्स पटाखे को आप जलाते हैं, तो उससे हीट भी जनरेट होता है, लाइट भी जनरेट होता है, साथ में साउंड भी जनरेट होता है और बहुत सारे हार्मफुल गैस भी निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ गैसेस फ्यूल। किसी दो गैसेस फ्यूल का एग्जांपल देना है, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी क्या होता है, गैसेस फ्यूल होता है और इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और इनका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कैंडल फॉर्म अ फ्लेम। कैंडल फ्लेम कैसे जनरेट होता है, मैंने बताया था कि फ्लेम जनरेट करवाने के लिए वेपराइजेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम लोग किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वहाँ वेपराइजेशन होना चाहिए। जैसे आप कैंडल को बर्न करते हो तो वहाँ वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लेम जनरेट होता है। नेक्स्ट, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। कंबशन कितने तरह के होते हैं उनका एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले स्लो कंबशन, तो स्लो कंबशन को होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इवन छः महीना, एक साल या फिर दो साल का भी वक्त लग सकता है इस तरह के कंबशन के लिए। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने में कम से कम 6 महीना, एक साल, दो साल तो लग ही जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए ये एक तरह से स्लो कंबशन का एग्जाम्पल हो गया। रैपिड कंबशन, तो ये वैसा एक तरह का कंबशन होता है जिसमें एक्सटर्नल हीट के ज़रिए है जो कंबशन का प्रोसेस करवाया जाता है। जैसे आप एलपीजी या फिर सीएनजी गैस ले लेते हो, तो इसको जलाने के लिए किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एलपीजी गैस को आपको जलाना है, घर में जो गैस आती है उसको जलाना रहता है, उसको हमको बाहर से माचिस या फिर लाइटर से है जो चिंगारी देना पड़ता है या फिर आग देना पड़ता है, तभी जा कर के वो जल पाता है, है ना। पेट्रोल को भी आप ले लो, पेट्रोल भी रैपिड कंबशन का एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि पेट्रोल में भी क्या होता है, एक्सटर्नल हीट जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो जलता नहीं है। तो ये एक तरह से रैपिड कंबशन के एग्जांपल हो गए। स्पॉन्टेनियस कंबशन, सी नंबर। तो बोल रहे हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, इसमें किसी हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बगैर हीट दिए हुए जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, इन्हें किसी तरह कोई हीट या फिर आग, मतलब फायर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद है जो जैसे इसको पानी से बाहर निकलते हैं फ़ौरन जो ऑक्सीजन के संपर्क में आके तुरंत है जो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह के कंबशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन भी कहते हैं।
एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन के बारे में बताया, ये भी एक तरह का कंबशन का ही टाइप होता है जिसमें सडनली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंसेस जलता है और हीट, साउंड्स, लाइट और लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस भी रिलीज करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। फ्यूल कितने तरह के होते हैं एग्जांपल के साथ समझाओ। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स लेते हैं, तो सॉलिड फ्यूल्स आर द फ्यूल दैट अकर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि आप लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, और इनको जलाने पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में धुआं निकलता है, प्लस रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बेकार का सब्सटेंस, अवशेष जिसको कहते हैं या फिर राख वगैरह भी कह सकते हैं। सॉलिड फ्यूल्स को जलाते हैं, लकड़ी या फिर कोयला को जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और राख वगैरह भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल्स, तो लिक्विड फ्यूल्स भी क्या होता है, इसमें क्या होता है हल्का फुल्का धुआं निकलता है ना, दिस फ्यूल्स मिट लेस स्मोक एंड रेसिड्यू। इससे पेट्रोल डीजल हो गया, इसमें से ज़्यादा धुआं नहीं निकलता और ना ही ज़्यादा रेसिड्यू बचता है, जबकि गैसेस फ्यूल जो रहता है उन्हें जलाने पर ना ही किसी तरह को कोई स्मोक जनरेट होता है और ना ही कोई रेसिड्यू जनरेट होता है। जैसे कि आप LPG गैस ले लेते हो, घर में जो गैस रहता है उसको जब जलाते हैं तो उससे ना ही किसी तरह को कोई धुआं निकलता है, ना ही किसी तरह का कोई रेसिड्यू, दैट मीन्स राख हो गया या फिर कोई बेकार का सब्सटेंस, अवशेष वगैरह कुछ भी नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल्स, गुड फ्यूल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो गुड फ्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, चीपली मतलब काफ़ी सस्ता होना चाहिए, इनका भंडारण और ट्रांसपोर्ट बहुत ईजिली होना चाहिए, मॉडरेट रेट में जलना चाहिए, मतलब ना ही बहुत तेज़ी से जलना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा से जलना चाहिए, मॉडरेट रेट में जलना चाहिए। और बोला जा रहा है कि शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट मीन्स जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इससे हीट जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, मतलब जलाने पर किसी तरह को कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए, इससे किसी तरह को कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसका इग्निशन टेम्परेचर ना ही हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। फिलहाल अभी किसी तरह का किसी भी मतलब एक तरह से गुड फ्यूल्स का अभी तक आविष्कार हुआ नहीं है, इस तरह का कोई फ्यूल्स अभी तक आया भी नहीं है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ बर्निंग अ फ्यूल इफेक्ट द एनवायरनमेंट, तो फ्यूल के चलने से हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं, क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जैसे बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग किसी फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस निकलते हैं, जिसकी वजह से है जो हमारा एनवायरनमेंट है जो पॉल्यूटेड होता है ना, हवा दूषित हो जाती है, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ कंडीशन, मतलब जिन्हें दिल का प्रॉब्लम रहता है, सांस का जिनको प्रॉब्लम रहता है, इवन हेल्दी पर्सन भी क्या होने लगता है, बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हवा में बहुत मतलब हवा में जो ताज़ी हवा रहती है, जो ऑक्सीजन रहता है उसमें हार्मफुल गैसेस आकर के मिल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो हार्मफुल गैस हमारे अंदर इंटर करता है, जिसकी वजह से एक हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि समटाइम बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग, यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स होते हैं जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनको जलाते हैं तो ये कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन वो क्या रहते हैं, जो काले धुएँ रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, और जब हम उन्हें सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, सांस लेने वाली बीमारियां भी फैलते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम लोग कोयला या फिर पेट्रोल को चलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, जो एयर के साथ साथ मिल करके है जो एसिड रेन्स करवाते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड है जो वाटर ड्रॉप के साथ है जो ज़मीन पे गिरते हैं, जिससे हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। ये क्रॉप, सोइल और बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये था कंबशन ऑन फ्लेम का क्वेश्चन आंसर। बच्चों, गुड शेफर्ड स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि 25 अगस्त से आप सभी का है जो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्द ही मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बनाऊँगा जिस पे
फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में आने वाले जो भी सिलेबस से जो भी पोर्शन है वो मैं आपको दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एज ए प्रिपरेशन कीजिए। और 25 अगस्त से है जो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहा है।